गाइस एंड वेलकम बैक टू आवर चैनल। और आज हम लोग कुछ बहुत अच्छा करने वाले हैं, इसलिए मैं बोल रही हूँ क्योंकि मैंने आपसे पूछा था कम्युनिटी टैब में कि आप क्या देखना चाहते हो, एंड यू गाइस टोल्ड दैट कि आपको वैलेंटाइन डे का वीडियो देखना है। आज वैलेंटाइन डे है और मैंने सोचा कुछ आप लोगों को फ़नी सब बताऊँ। और वो फ़नी ये है कि यूरोपियन कपल्स जो होते हैं एंड इंडियन कपल्स जो होते हैं उनमें क्या ऐसे डिफरेंसेस होते हैं जो हमें लगा जब हम यहाँ पर आए। और इंजॉय करो ये वीडियो, आई एम श्योर आप लोगों को ये वीडियो बहुत अच्छा लगेगा। हमारे फ्रेंड्स हैं जिन्हें आप ऑलरेडी जानते हो, वो भी इसमें एक्ट करने वाले हैं, तो आप लोग बहुत इंजॉय करोगे। और जो भी आपको सबसे अच्छा लगा वो ज़रूर नीचे कमेंट करना, एंड नाउ इंजॉय। Beautiful couple. Yeah, they are really beautiful. So beautiful couple. They are celebrating their Valentine's Day. Wow. Wow, it's really nice. So nice. देखना यार कितने बदतमीज, कैसे बेहद बेशरम लोग हैं यार, संस्कृति की खाम। और अब मुंह छुपा के घूम रही हैं। देश की संस्कृति खराब कर दी यार। सही में यार, सही में। कैसे कैसे लोग? मेरे घर में तो काट दूँगे ऐसे ना हैं। No. तो इस सीन में हम बताना चाहते हैं कि यहाँ पर जो पेरेंट्स होते हैं उनसे लोग कैसी परमिशन लेते हैं, और हमारे यहाँ जो इंडियन पेरेंट्स होते हैं उनसे कैसी लेते हैं। पापा, कल ना मेरा एक असाइनमेंट है, तो मुझे स्कूल से आने में थोड़ी देरी हो जाएगी पापा, तो मैं सोच रहा था कि आपकी परमिशन ले लूं, क्या मैं असाइनमेंट कल कर लूं? कल? हाँ जी कल। तो कब तक आ जाएगा बेटे? पापा मैं सोच रहा था 5 बजे तक खत्म कर लूँगा पापा, 5 बजे तक, 2 बजे से 5 बजे तक। ठीक है बेटा, पढ़ाई करो, पढ़ाई में कोई रोक टोक नहीं है, आराम से। यस। और टाइम पे आ जाना घर बेटे, है ना? यस, थैंक यू पापा। बात हो गई मेरी पापा से, मान गए हाँ, लेकिन कल 5 बजे तक, सिर्फ 5 बजे तक, ठीक है 5:30 तक करो, पक्का। ओके बाय, लव यू। यो डैड, व्हाट्स अप यार, मैन चीयर्स। तो डैड, कल वैलेंटाइन्स डे है, तो मैं सोच रहा हूँ कि आपको बता दूं कि कल मैं पार्टी करूंगा। हाँ ओके, दैट्स कूल, एंजॉय मैन। तो घर ले आऊं या आप क्या प्लान है तुम्हारा, क्योंकि कल मेरी भी गर्लफ्रेंड आ रही है। तो ठीक है डैड, कल आपकी गर्लफ्रेंड आ रही है, तो मैं अपनी गर्लफ्रेंड के घर चलाता हूं। ओके, ऑल राइट डैड, हैव फन, एंजॉय। थैंक यू डैड, सी यू, चीयर्स। Hi mom. Hello. So tomorrow is 14th. What is your plan? I will be at home. I think I'll be out tomorrow full night, so don't wait for me, okay? I'm going with my boyfriend. थैंक यू बताने के लिए, वैसे भी तुम 10-10 दिन तक तो गायब रहती हो, इट्स ओके। ठीक है, एंजॉय, बाय बाय। जी वो तो हाँ, उनकी लड़की तो वहाँ घूम रही थी। हाँ ठीक है कोई नहीं। हाँ मम्मी। हाँ क्या हुआ? आपके कपड़े अच्छे लग रहे हैं आज वाले, ये है? वही है ना जो हमने पहले लिए थे? हाँ वही है। मैं ये कह रही थी, आप पापा से कह दूं कि क्या कर मेरी मतलब थोड़ी पढ़ाई है,
मुझे एक प्रोजेक्ट करना है सीमा के घर पे जाके पापा से कह दूंगी। पक्का पढ़ाई है ना? और फोन करके पूछ लो, है तो आपके पास नंबर? पक्का है ना पढ़ाई? हाँ, हाँ, पक्का। ठीक है, मैं पापा से बोल दूंगी, लेकिन देखो अपने लड़कियों को जो है वो लिमिट में रहना चाहिए, है ना? पता है ना? बिल्कुल। अभी मैं सुन रही थी बहुत सारी कहानियां, तो नहीं नहीं नहीं, ऐसा तो कभी आपको मिलेगा ही नहीं। हाँ हाँ ठीक है, चलो फिर पढ़ाई कर रही हूँ तो ठीक है। नो 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 नो, प्रोजेक्ट बोल के गई है, अभी देखती हूँ। हाँ सीमा की मम्मी, क्या मना रहे हो? वैलेंटाइन मना रहे हो क्या भैया? अरे भैया कुछ नहीं भैया, भाई साहब। अरे ये तो दोस्त है मेरी भैया। नहीं हम समझ गए सारी, हम मनवाएंगे तुम्हारा वैलेंटाइन। आ जाओ भाई साहब, ये दोस्त है मेरी। आ जाओ यहां, आ जाओ यहां, आ जाओ वैलेंटाइन मना गए। दोस्त जी आप बैठे रहो भैया, दोस्त है मेरी। और भैया कान तो आ रहा है, रिश्तेदार है, मैं सामान लेने आया था भैया। वैलेंटाइन मना रहे हो, हमें सब पता है। कान पकड़ के 10 लगाओ भैया, 2 3 4। बॉयफ्रेंड तो मुझे कहीं ले जा रहा है और मैं तो लाल पहनने वाली हूँ। हमारा भी है तो यार मूवी का प्लान, लेकिन मेरे पास तो कुछ भी रेड नहीं है। और बताओ यार, वैलेंटाइन डे आ गया, रेड भी नहीं है कुछ भी, क्या करूँगी हमने? कोई बात नहीं, काला पहन लेना। करना पड़ेगा। वैसे मैं तो सोची थी लास्ट मोमेंट पे, क्या पता वही दे दे मुझे कुछ रेड टॉप या ड्रेस वगैरह। पता नहीं क्या देगा, देगा नहीं देगा, क्या करेगा। हम लोग तो जा रहे दबंग मूवी। What is your plan for Valentine's Day? I'm going to Paris. Paris? Yeah. What if he will propose you? I don't know. Oh God, I have a feeling he will propose you. I'm not sure. God. Yeah, but... And what's your plan? Yeah, we are thinking of going for hiking. थोड़ा हाइक वाइक करके आ जाएंगे यार बस। और हम लोग नेक्स्ट टू नेक्स्ट वीक जा रहे हैं वेकेशन पे। दिस वीक वी वर लिटिल बिट बिजी, सो वी पोस्टपोन आवर दिस ट्रैवल। ओके, सो we'll meet after Valentine's Day and good luck. Thank you. Bye. भाई पंगा हो गया। क्यों, क्या हो गया भाई? भाई पिछले साल जो गिफ्ट दिया था सिर्फ चॉकलेट दी थी, समझ नहीं आ रहा इस साल क्या दूं। बात नहीं बनी पिछले साल, क्या दूं? इस बार टेडी दे दियो। टेडी दे दूं? टेडी का आइडिया बढ़िया है भाई, टेडी हो गया डन। बढ़िया। और भाई तुम्हारा क्या प्लान है, तुम क्या दोगे? यार मैं तो बड़ा दुखी हूँ भाई, इससे समझ नहीं आता ये क्या दूँ से सारी चीज। क्या बात हो गई? अब मैं सोच रहा हूँ मैं तो भाई टिकट बुक कर दे रहा हूँ, पिक्चर के पिक्चर दिखाने लगा हूँ बस। और क्या करे भाई? भाई मुझे लग रहा था तुम आईफोन की बात कर रहे थे। भैया बापू जूते बजा देगा मेरे, किडनी बेचनी पड़ जाएगी मुझे इतने गिफ्ट। भैया लड़की मुश्किल हो रही है झेलनी, इतने महंगे महंगे गिफ्ट देंगे तो भाई फिर पिक्चर से देखो काम चल रहा है। करना तो पड़ेगा भाई, चाहे कितना भी बेस्ट ऑफ लग रहा है, चाहे बेस्ट ऑफ लग पड़ेगा। बेस्ट ऑफ लग, चल भाई बोलता है बेस्ट ऑफ। नो 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 नो, और वीकेंड पे मेरा भी ऑफ था, उसका भी ऑफ था, तो हम लोग प्लान कर रहे थे, तो हमने डिसाइड किया कि लेट्स गो फॉर अ हाइक। दैट्स कूल आइडिया। आपका क्या प्लान है? मैंने पेरिस का प्लान किया है। पेरिस का? वाओ दैट्स ऑसम। सो वी विल स्पेंड सम क्वालिटी टाइम। Or you've been in a relationship for like quite some years now, so yes, am I expecting a proposal there? Yeah, that's the plan, man. Oh, that's cheers, bro. Good luck to you. Thanks. I hope cheers to you. Papa? पापा वो अभी मुझे ना मैसेज आया है टीचर का कि जो असाइनमेंट हो रहा है ना उसकी लोकेशन चेंज हो गई है, वो स्कूल में नहीं वो गांधी पार्क में कर रहे हैं। तो पापा वो मुझे जाना पड़ेगा, तो बाइक थोड़ा सा एक्स्ट्रा वहाँ पे फ्यूल डलवाना पड़ेगा पापा, तो थोड़े से पैसे चाहिए पापा मुझे। पैसे बेटे, पैसे पढ़ाई के लिए चाहिए तो ले जा पापा वो है, बाकी पागल तो समझिए मत ना तू पापा, हमें भी पता है कल के दिन है पापा गर्मी, अगर किसी छोरी के साथ दिख गया तेरी टांग तोड़ूंगा मैं। ऐसी बात है ही नहीं बिल्कुल भी पापा, मैं तो सच में बाइक तेल डलवा के लाइए। हां बिल्कुल, उतना पढ़ाई करिए। हां जी, और सुई आपको खबर नहीं मिल जाए कुछ ऐसी? बिल्कुल ले साहब, चाहिए कि रुपए दो ठीक है जाओ।
Dad? Yeah? I need to borrow some money for tomorrow because I lost my ATM. So I'll pay you back by the weekend. So can I borrow some money? Why? What's special tomorrow? It's a Valentine's Day. I need to party. So, you know. Oh, of course. Then you must have some cash. Go, man. Enjoy. Have fun. Thanks, Dad. You're the best. Yo. Take care. ये सारी स्टोरी तो देख ली. नेक्स्ट डे क्या हुआ इन लड़कों का वो भी देख लो. ब्रो, यार मैन, व्हाई आर यू लुकिंग सो सैड? पेरिस में ऐसा क्या हुआ? आप इतने परेशान क्यों दिख रहे हो? मैंने उसको प्रपोज किया यार. ओके. और शी सेड नो. नहीं ब्रो, ऐसा नहीं हो सकता ब्रो. शी सेड नो. बैड लक ब्रो. भाई क्या हो गया? क्या नाम था तेरा वैलेंटाइन डे का गांधी पार्क का असाइनमेंट? भाई पूछ मत भाई, इतनी जोर से मत मारता. क्या हो गया भाई ऐसा? लट मार मार के पूरी बॉडी सुजा ली भाई. हाँ, और शादी करवा दी. वो स्कूल में वो गांधी पार्क में कर रहे हैं. तो दोस्तों कैसी लगी आपको वीडियो जरूर बताना. और हमने बहुत कोशिश की और कोशिश की कि सारी चीजें डालने की कोशिश करें क्या इंडिया में होता है और क्या यहाँ होता है. तो आपको किसका कैरेक्टर सबसे अच्छा लगा? मेरा बताना कैसा लगा. अजी हाँ, मेरा भैया, मेरा सबसे अच्छा, मेरे कैरेक्टर में सबसे अच्छा क्या लगा वो बता दा. मेरा चैनल है प्लीज, मेरे कैरेक्टर में क्या अच्छा लगा वो बता दा. नहीं. पर जो भी हो, लाइक शेयर एंड सब्सक्राइब करना मत भूलना. और हम सबके कैरेक्टर में जो भी सबसे अच्छी अच्छी बात है वो बताना. स्टिल वी आर लाफिंग. मेरा डायलॉग तो गायब भी हो गया. कोई बात नहीं. एंजॉय. हैप्पी वैलेंटाइन्स डे. और भाई किसी की शादी हो जाए तो कमेंट कर. हाँ अगला. लड़कियां मुंह छुपा के घूमती है ना. सही.